सुनून, टैक्सी ड्राइवर किधर है? ओ बाबू मोशाय, चश्मा साफ कर और देख, तेरे सामने खड़ी है। आई एम सो सॉरी। सॉरी वोरी छोड़, बता कहाँ जाना है? हमें एक होटल चाहिए। जिग्नेश, दिस टाइम आई एम नॉट लिसनिंग। तीन बार होटल कैंसिल किया और तीनों बार पैसे भूक गए। एकदम डफर छे तू जिग्नेश। तू इतना टेंशन क्यों लेती है बेबी, तेरा जिग्नेश है ना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गरिमा और स्वागत करती हूं आप सभी का बॉलीग्राड स्टूडियोज में। आज हम बात करने वाले हैं रणवीर सिंह की जयेश भाई जोरदार के बारे में। बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह अपनी जबरदस्त फिल्मों और शानदार अंदाज के लिए खूब जाने जाते हैं। हाल ही में उनकी अपकमिंग फिल्म जयेश भाई जोरदार का पोस्टर रिलीज हो गया है, जिसमें उन्हें पहचानना तक मुश्किल हो रहा है। इस फिल्म में रणवीर सिंह गुजराती व्यक्ति का किरदार निभाते हुए नजर आएंगे। बता दें कि रणवीर सिंह की अपकमिंग फिल्म जयेश भाई जोरदार उनकी 83 के बाद रिलीज होगी। इस फिल्म का निर्देशन दिव्यांग ठक्कर ने किया है, तो वहीं इसके निर्माता मनीष शर्मा हैं। उनकी ये फिल्म कॉमेडी ड्रामा पर आधारित होगी। और वहीं बात करें रणवीर सिंह की फिल्म 83 की, तो इस फिल्म में वह क्रिकेटर कपिल देव का किरदार निभाते हुए नजर आएंगे। उनकी ये फिल्म 1983 में हुए वर्ल्ड कप में भारतीय क्रिकेट टीम की मिली जीत पर आधारित है। इस फिल्म में उनके साथ एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण भी नजर आएंगी। दोनों की शादी के बाद ये पहली फिल्म होगी जिसमें दोनों साथ नजर आएंगे। बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह की जयेश भाई जोरदार पहले से ही काफी चर्चा में थी, लेकिन जब से ये खबर आई है कि इसमें साउथ फिल्म अर्जुन रेड्डी की एक्ट्रेस शालिनी पांडे की एंट्री हो सकती है, तब से ये और चर्चा में आ गई है। इसके पहले एक्ट्रेस सारा अली खान और अनन्या पांडे के नाम की अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन अब शालिनी पांडे का नाम बताया जा रहा है। वहीं रणवीर सिंह जयेश भाई जोरदार के अलावा करण जौहर की फिल्म तख्त की शूटिंग भी करने वाले हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जयेश भाई जोरदार में शालिनी पांडे को रणवीर सिंह के अपोजिट लिया जा सकता है, क्योंकि फिल्म मेकर्स इसमें किसी नए चेहरे को लेने पर विचार कर रहे थे। अब मेकर्स ने इसके लिए अर्जुन रेड्डी की एक्ट्रेस शालिनी पांडे को लीड रोल में ले लिया है। शालिनी पहली बार यशराज फिल्म में काम करने वाली है और शालिनी फिल्म जयेश भाई जोरदार में गुजराती लड़की की भूमिका निभाने वाली है। शालिनी ने फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ ली है और इसके लिए अपनी हामी भी दे दी है। अगर बात करें इस फिल्म में जयेश भाई जोरदार की, तो रणवीर सिंह एक गुजराती युवक जयेश भाई की भूमिका निभाने वाले हैं। इस फिल्म में भरपूर कॉमेडी देखने को मिलेगी। रणवीर गुजराती अंदाज में इसमें अपनी हंसी का तड़का लगाते हुए नजर आएंगे। फिल्म का निर्देशन दिव्यांग ठक्कर कर रहे हैं और ये दिव्यांग की पहली फिल्म है। वही फिल्म का निर्माण यशराज बैनर तले किया जा रहा है। रणवीर सिंह स्टारर जयेश भाई जोरदार में उनके माता पिता के रोल में स्टार्स के फाइनल नेम सामने आ गए हैं। फिल्म में रणवीर सिंह के पिता के रोल में बोमन ईरानी को कास्ट करने के बाद अब उनकी मां का नाम भी फाइनल कर लिया गया है। खबर है कि फिल्म में रणवीर की मां का रोल एक्ट्रेस रत्ना पाठक निभाएंगी। फिल्म के मुताबिक जयेश भाई जोरदार फिल्म में रत्ना पाठक रणवीर सिंह की मां का रोल निभाते हुए नजर आएंगी। खबर है कि इस फिल्म में डेब्यू कर रहे डायरेक्टर दिव्यांग ठक्कर रत्ना पाठक को फिल्म में लेने के लिए बहुत उत्साहित थे। वे रत्ना को उनके थिएटर के दिनों से काफी पसंद करते हैं। इस खबर की पुष्टि करते हुए रत्ना ने बताया, कुछ महीनों पहले एक युवा एक्टर मेरे पास स्क्रिप्ट लेकर आया। ऐसी फिल्म जो एक्टर्स बनाते हैं वो थोड़ी सी ट्रिकी हो सकती है, इसलिए स्क्रिप्ट पढ़ने के दौरान मैं सतर्क थी, लेकिन स्क्रिप्ट खत्म होते होते ये मुझे अच्छी लगी। कहानी में न सिर्फ एक मैसेज है बल्कि इसमें एक दिल भी है। ये उन बातों का जिक्र करता है जो मेरे दिल के करीब है। वहीं रणवीर सिंह ने इस फिल्म की स्क्रिप्ट को एक चमत्कारी स्क्रिप्ट बताया है। उन्होंने कहा कि जयेश भाई जोरदार बड़े दिल वाली मूवी है। फिल्म की कहानी ने मुझे एक पल में हामी भरने को मजबूर कर दिया था। बता दें कि जयेश भाई जोरदार का यशराज फिल्म्स के तहत प्रोडक्शन हो रहा है और इसे डेब्यूटेंट डायरेक्टर दिव्यांग ठाकुर ने लिखा है। फिल्म इसी साल रिलीज होगी। रत्ना पाठक पिछली बार फिल्म लिपस्टिक अंडर माय बुर्का कपूर एंड सन्स में नजर आई थी। उन्होंने गोलमाल 3, खूबसूरत जाने तो या जाने ना आदि फिल्मों में भी बेहतरीन अदाकारी दिखाई है। रणवीर सिंह इस यशराज बैनर के तहत बनने वाली फिल्म जयेश भाई जोरदार में नजर आएंगे। इसमें रणवीर सिंह रामलीला के बाद एक बार फिर गुजराती शख्स के किरदार में दिखेंगे। इसे मनीष शर्मा प्रोड्यूस करेंगे और इस फिल्म की शूटिंग अक्टूबर में शुरू होगी।
इसके राइटर और डायरेक्टर हैं दिव्यांग ठक्कर। आपको बता दें कि मनीष शर्मा ने बतौर डायरेक्टर अपना करियर रणवीर सिंह की फिल्म बैंड बाजा बारात से ही शुरू किया था। इस फिल्म के बारे में रणवीर सिंह ने एक इंटरव्यू में खुशी जाहिर करते हुए कहा कि जयुष भाई जोरदार एक बड़ी दिल वाली मूवी है, इसका विचार ही इसका विस्तार है, इसकी कहानी शानदार है। मैं शुक्रगुजार हूँ यशराज फिल्म्स का जिन्होंने मेरे लिए इतनी जोरदार कहानी चुनी। अच्छी पटकथा है तो वो फिल्म लिखते समय ही दिखने लगती है। दिव्यांग ने इस कहानी पर काफी मेहनत की है और उनके टैलेंट को देखते हुए ही मैंने फिल्म के लिए तुरंत हाँ कर दी। इस फिल्म में मनोरंजन भी है और ये दिल को भी छू लेती है। इतना ही नहीं, रणवीर सिंह ने अपने इंस्टाग्राम पर एक फनी वीडियो शेयर किया है और इस वीडियो में वो इसके डायरेक्टर दिव्यांग ठक्कर के साथ नजर आ रहे हैं। इसमें वो दोनों गुजराती में बात कर रहे हैं और इसमें रणवीर सिंह कुछ मजेदार सवाल दिव्यांग से पूछते हैं और वो इसका जवाब देते हैं। इसमें उन्होंने ये भी जाहिर कर दिया है कि इस फिल्म में वो नजर आने वाले हैं। रणवीर सिंह अपनी फिल्मों को 100% से भी ऊपर देते हैं। उनकी एक्टिंग ऐसी है कि हम उनकी एक्टिंग पर बिल्कुल भी शक नहीं कर सकते। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ बॉलीग्राज स्टूडियोज पर। और ये स्क्रिप्ट लिखी है निहारिका बजाज ने।